कर्नाटका में कांग्रेस की जीत के बाद की तस्वीर ने देश भर में तहलका मचा दिया है। तहलका मचाने की वजह है पाकिस्तान का झंडा। क्या कांग्रेस के जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ पाकिस्तान का झंडा भी फहराया गया? क्या वाकई में ये वीडियो कर्नाटक का है? ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और लोगों के मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। चलिए इस वीडियो की सच्चाई जानते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर होना शुरू हुआ। इसमें देखा जा सकता है कि एक युवक चौराहे पर बने स्ट्रक्चर पर चढ़कर झंडा फहराते हुए नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि युवक ने जो झंडा पकड़ा है वो पाकिस्तान का झंडा है। वीडियो शेयर कर एक यूजर ने लिखा, जम्मू कश्मीर के हिंदुओं की जो हालत हुई वही होगा। 13 मई का ये वीडियो कर्नाटक के भटल शमशुद्दीन सर्कल का है, जहां एक युवक हाथ में इस्लामिक झंडा लेकर शमशुद्दीन सर्कल पर चढ़ गया। पड़ताल के दौरान हमें इस मामले से जुड़ी पूरी खबर TV9 कनाडा के वेबसाइट पर मिली। वेबसाइट के मुताबिक कर्नाटक की भटकल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी MS वैद्य ने भाजपा प्रत्याशी सुनील नायक के खिलाफ जीत हासिल की, जिसके बाद एक युवक ने कांग्रेस प्रत्याशी की जीत की खुशी में शमशुद्दीन सर्कल पर चढ़कर इस्लामिक झंडा फहराया। इस घटना के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि वायरल वीडियो में जिस झंडे को पाकिस्तान का बताया जा रहा है, असल में वो इस्लामिक झंडा है। दरअसल इस्लामिक झंडा का बैकग्राउंड पूरी तरह से हरे रंग का होता है और इसमें प्रतीक स्वरूप चांद और सितारा लगा हुआ होता है। वहीं पाकिस्तानी झंडे में बाई ओर एक खड़ी सफेद पट्टी होती है। साफ होता है कि भटकल शमशुद्दीन सर्कल के वीडियो को सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। वीडियो में दिख रहे युवक ने अपने हाथ में पाकिस्तान का नहीं बल्कि इस्लाम का झंडा लिया हुआ है। वहीं कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया और नारेबाजी की। इस दौरान बेलगावी जिले में मतगणना केंद्र के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने विवादित नारे लगाए, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।